देखो, इस संसार में कुछ भी आपको प्राप्त हो, आप विनती करें या ना करें, आप कुछ करें या ना करें, जो कुछ भी प्राप्त है वो ठाकुर जी की कृपा से ही प्राप्त है। अगर ठाकुर जी की कृपा से प्राप्त हुआ तो आपको उसका सम्मान करना चाहिए, उसका सम्मान आपको करना चाहिए। जैसे मान लो आपको एक नौकरी मिल गई, आपकी मेहनत से मिले और चाहे आप भगवान कृपा से, आप चाहे जो मान सकते हैं, आप चाहे जो मान सकते हैं, और अगर नौकरी मिल गई तो आपको नौकरी तो बहुत जिम्मेदारी से करना चाहिए ना। नौकरी मिल गई तो आपको 10 बजे समय से ऑफिस जाना चाहिए, 5 बजे हो तब निकलें, कि आपको नौकरी मिल गई तो आप ड्यूटी ही नहीं करोगे और जाने जाओगे ही नहीं, और जो ऑफिस में आए उसको सबको गाली दोगे, ऐसा तो होगा नहीं। जो आपके पास आएगा उससे सम्मान से बात करना पड़ेगा, जो जैसा होगा उसके साथ वैसा व्यवहार करना पड़ेगा, समय का ध्यान रखना पड़ेगा, ईमानदारी बरतनी पड़ेगी, जो कुछ मिला उसको संजो कर रखना पड़ता है, चाहे जो कुछ मिले। इसलिए भगवान ही हम सबको सब कुछ देते हैं। इसीलिए भगवान राम अस्वस्थ थे एकदम, कि हुई है सोई जो राम रचि राखा, और उनके पीछे इतने लोग प्रार्थना कर रहे थे, इतने लोग प्रार्थना कर रहे थे, और सब लोग जैसे उनका जयमाल हुआ वैसे ही आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगी, और जो राजागण थे वहां उपस्थित 10,000 राजागण सब सकुचा गए। जैसे एक फूल पहले खिलता है उसके बाद सिकुड़ जाता है, मुरझा जाता है, वैसे सबका मुख कमल जो है वो मुरझा गया, सब सकुचा गए, और सब ने तलवार निकाली, और तलवार निकल करके और सब लोग चिल्लाने लगे, धरो पकड़ो मारो, जाने न पाए, इसकी ये हिम्मत ये कन्या को लेकर के जाएगा। और अगर राजा जनक अगर थोड़ी सी हमारी मदद करें तो अभी हम इस बच्चे को बंधक बना सकते हैं। राजा जनक मन ही मन सोचे कि कहां हमारे माथे में बुद्धि नहीं है कि हम तुम्हारा सहयोग करेंगे और अपने दामाद को बंदी बनवाएंगे। बेचारे मन ही मन सोच रहे थे, सब लोग दौड़े, तब तक लक्ष्मण जी अपनी भौहें टेढ़ी किए खड़े हुए, वैसे ही तमतमा करके परशुराम जी आदम के वहां गरजते फड़कते अपना हसुआ लिए, हरसा लिए, और आ गए भरी समाज में। जितने राजा थे सबने अपनी तलवार निकाल करके पीछे फेंक दिया, जितने राजा थे सब पीछे फेंक दिए, सब थर 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 कांपने लगे, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, एक दूसरे से कहने लगे, तुमको क्या लगता है, कई धनुषिया को हम न तोड़ देते, हम भी तोड़ सकते थे, लेकिन हमको पता था कि तोड़ने के बाद ही बवाल होना है, तोड़ने के बाद ये बवाल होगा, इसलिए हम नहीं तोड़े। अच्छा हुआ भगवान बड़ी कृपा किए कि हमसे नहीं तोड़वाए, नहीं तो ये बवाल हमारे ही ऊपर आ जाते। सारे राजा हाथ जोड़ करके कांपने लगे, और सब लोग जा करके प्रणाम करते, अपने पिताजी का नाम बता करके, पिताजी का नाम बता करके प्रणाम करते जा करके। और क्रोध में परशुराम थे, और जो भी सामने जाता उसको झटक देते। उसके बाद परशुराम जी थोड़ा सा आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि धनुष के दो टुकड़े पड़े हुए हैं, धनुष दो खंडों में बटा हुआ है। देखत भृगुपति वेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला,
पितु समेत कहि कहि निज नामा लगे करन सब दंड प्रणाम। सब लोगों ने बारी बारी से परशुराम भगवान को प्रणाम किया, फिर जनक जी आकर के प्रणाम किए, सीता जी को बुला करके प्रणाम करवाए, परशुराम जी ने सीता को आशीर्वाद दिया, फिर सखियां उनको ले गई अंदर, फिर विश्वामित्र जी आए और दोनों भाइयों को ला करके प्रणाम करवाए, राम लक्ष्मण भी आकर के प्रणाम किए और कहते हैं कि ये दोनों बालक दशरथ के पुत्र हैं, बड़े वाले का नाम राम है और छोटे वाले का नाम लक्ष्मण है। फिर अनजान वरन करके परशुराम जी जनक जी से पूछते हैं कि यह बड़ी भारी भीड़ आप अपने राज दरबार में कैसे एकत्रित किए, क्योंकि उस समय बिना परशुराम की आज्ञा लिए कोई भी व्यक्ति कोई सभा आयोजित नहीं कर सकता था, कोई भी सभा आयोजित नहीं कर सकता था, ऐसा उनका प्रताप था। और इस सभा में 10,000 राजा एकत्रित हुए हैं और कितने देखने वाले एकत्रित हुए हैं, कितना बड़ा उनका दरबार रहा होगा। जनक जी से कहते हैं, जनक ये बताओ कि पहले इतनी बड़ी संख्या आपने एकत्रित कैसे की। समाचार कही जनक सुनाए, जही कारण महीप सब आए, सुनत बचन फिरी अनत निहोरे, देखे चाप खंड मही डारे। कहते हैं कि जनक जी ने सब कुछ कह सुनाया कि किस कारण से ये सब राजा आए हुए हैं, हमने किसी को बुलाया नहीं, किसी को नहीं बुलाया, सारे राजा प्रण सुनकर के आए हैं। और ये मेरी बेटी जानकी और जानकी का विवाह राम जी के साथ हुआ है, इस धनुष को ही शुल्क रखा गया था। जो कुछ बातें थी उन्होंने सब बताई। उसके बाद जब जब उनकी नजर धनुष पर जाती तब तब उनका क्रोध बढ़ जाता, क्योंकि उसी के टूटने पर तो आए थे, और बार बार देखते जमीन पर दो खंड पड़े हैं और तब तब उनका क्रोध बढ़ जाता। परशुराम बोले, अरे मूर्ख जनक, जो इस धनुष को तोड़ा है उसको मेरे सामने लाओ, वह मेरा सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, जो भी तोड़ा है वो मेरे सामने आकर के खड़ा हो जाए। तब सभी भयभीत होकर के स्वयं प्रभु श्री राम की तरफ देखने लगे, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि भगवान राम ने ही धनुष तोड़ा है। जब राम ने देखा कि कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है कि धनुष कौन तोड़ा, तब भगवान राम स्वयं हाथ जोड़ करके सामने आकर के खड़े होते हैं और तब परशुराम जी से कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, अरे होई हई के हो एक दास तुम्हारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई हई के हो एक दास तुम्हारा, संबोधन भंज
से तुम्हारा आय सुकाह कहिय कि न मोहि आय सुकाह कहिय कि न मोहि ये सुनी रिसाई बोले मुनि कोई जो करे सेवकाई हरि करनी करी करिय लड़ाई हरि करनी करी करिय लड़ाई सुनहु राम जही शिव धनु तोरा सुनहु राम जही शिव धनु तोरा सहस बाहु सम सौर्य कुमोरा सहस बाहु सम सौर्य कुमोरा नाथ शंभु धनु भंजनिहारा नाथ शंभु धनु भंजनिहारा राम कहते हैं नाथ शंभु धनु भंजनिहारा हे नाथ ये जो धनुष थी ये धनुष जो कोई भी तोड़ा होगा कोई आपका दास ही तोड़ा होगा क्योंकि दूसरे के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो धनुष को तोड़ दे कोई आपका दास ही तोड़ा होगा कहिए उसके लिए आपका क्या आदेश है जो आप कहेंगे सो किया जाएगा। तब परशुराम जी कहते हैं मेरा सेवक सेवक सो जो करे सेवक आई सेवक का मतलब जो सेवा करे ऐसा थोड़ी कि ऐसा कोई काम करे कि वो लड़ाई हो जाए सेवक का ऐसा कोई कार्य नहीं होता इसलिए हे राम सुनिए जो भी इस धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है आप बताओ सो बिलगौ बिहाई समाजा न तो मारे जे जय हैं सब राजा सब राजाओं से कहते हैं परशुराम जी कि आप सबसे निवेदन है कि जिसने भी धनुष को तोड़ा है वो निकल करके अलग हो जाए अन्यथा सब राजा मारे जाएंगे और राजाओं से कहते हैं कि आप सबने देखा है जो राजा तोड़ा हो उसको आप बाहर करें बहुत चिल्ला रहे थे बहुत देर से लक्ष्मण जी सुन रहे थे बेचारे लक्ष्मण जी बेचारे मुस्कुरा करके बोले बहु धनु ही तोरी लरिकाई कबहु ना सिर सिकीन ही गोसाई लक्ष्मण जी बोले हे गोसाई बचपन में तो हम तो बहुते धनुहियां तोड़े हैं बहुत सारे धनुष तोड़े तब तो आप गुस्सा करने के लिए नहीं आए तब गुस्सा करने के लिए नहीं है और आज एक पुरानी सी धनुष क्या टूट गई आप कब से कह रहे हैं किसने तोड़ा किसने तोड़ा किसने तोड़ा ए धनु ही पर ममता कहीं हेतु सुन रिसाय का भृगुकुल हेतु कह रहे हैं इसी धनुष में ऐसा क्या है इस धनुष में ऐसा क्या है जो आपको इस धनुष के टूटते ही इतना ममता बढ़ गई इतना क्रोध आ गया ऐसा क्या इसमें है ऐसी कौन सी खास बात है तब परशुराम बोले रे नृप बालक काल बस बोलत तही न संभार धनु ही सम त्रिपुराय धनु विदित सकल संसार तुम अन्य धनुहियों जैसा इस धनुष को सोच रहे हो यह कोई साधारण धनुष नहीं है ये अन्य साधारण धनुषों को जैसा आप इसको नहीं समझो लक्ष्मण कहते हैं हंस करके हमने थोड़ी इसको तोड़ा है अरे भैया भी नहीं तोड़े भैया तो हाथ लगाए अपने आप ही टूट गया ये तो इतना दिन से रखा था इतना पुराना था कि हाथ लगाते ही टूट गया अब क्या करें हमारे भैया बार बार बोलते हो बार बार फरुहा दिखाते परशुराम और जब बार बार उनको फरसा दिखाते तब बार बार लक्ष्मण भी बोलते तब राम जी कहते हैं
प्रभु क्षमा कर दीजिए, बच्चे पे क्यों क्रोध दिखा रहे हैं? बच्चे पर क्रोध दिखाना ठीक नहीं है और इसकी सजा क्या है आप बताइए। क्योंकि आपसे देखिए, हम लोग युद्ध तो करेंगे नहीं क्योंकि हम लोग क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय ग्राय देवता ब्राह्मण और भगवान के भक्तों के ऊपर प्रहार कभी नहीं करते क्योंकि इनसे हारने में भी नुकसान है और जीतने में भी नुकसान है। हार जाएंगे तो क्षत्रिय पर कुल पर कलंक लगेगा और जीत जाएंगे तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। इसलिए इनसे लड़ना और न लड़ने दोनों में हानि है, दोनों में हानि है। परशुराम बोले कि तुम बहुत मीठा राम बोलते हो, मैं जानता हूं कि तुम्हारा भाई कड़वा बोलता है और तुम मीठा बोलते हो। जब जब वो कड़वा बोलता है तो तब तब तुम मीठा बोलते हो। तुम अपने भाई को समझाते नहीं। भगवान राम फिर बोलते हैं, प्रभु ये छोटा बच्चा है, आप बड़े छोटे बच्चों पर ध्यान नहीं देते, बड़े ध्यान नहीं देते। और तब परशुराम बोले, हम तुम दोनों भाइयों की चतुराई को समझ गए, तुम मीठा बोलते हो राम और लक्ष्मण तो कड़वा बोलते हैं और तुम इनको चुप नहीं कराते, तुम बार बार हमें क्रोधित करवा रहे हो। तुम बोलते नहीं हो लेकिन लक्ष्मण के मुख से बुलवा रहे हो, तुम नहीं बोल रहे हो, लक्ष्मण ही बोल रहा है लेकिन लक्ष्मण से तुम बुलवा रहे हो। गुनह लखन कर है पर रोसु, कतहु सुधाई हूं ते बड़ दोसु। कह रहे हैं कि क्रोध लक्ष्मण पे कर रहे हैं, रोष हमको दिखा रहे हैं आप। टेढ़ जान सब बंदई काहू, वक्र चंद्रम ही ग्रसई न राहू। कह रहे हैं टेढ़ा जान करके सब लोग हाथ जोड़ते हैं, जैसे टेढ़ा चंद्रमा होता है तो उसको राहु भी ग्रास नहीं करता है, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी ग्रास नहीं करता है। तो सब लोग सीधे पर ही वार करते हैं क्योंकि सीधा होना इस संसार में बड़ा कठिन है, सरल होना बड़ा कठिन है क्योंकि थोड़ा सा टेढ़े रहेंगे तो आपसे सब लोग ठीक रहेंगे और जैसे ही आप सीधे बने तो ये पूरा संसार आपको जीने नहीं देगा। अगर जीना है तो थोड़ा सा तो देखो टेढ़ा बन करके रहना पड़ेगा, हाँ अंदर से ना हो लेकिन ऊपर से ही हो, लेकिन होना पड़ेगा, थोड़ा सा टेढ़ा होना पड़ेगा। ऐसे ही एक बगीचे में एक बेचारा सांप रहता था और एक दिन एक महात्मा जी उधर से जा रहे थे तो देखे बगीचे से हल्ला करते हुए बच्चे दौड़े आ रहे थे। बोले क्या हुआ क्या हुआ? बोले एक बगीचे में सर्प है, उसने एक बच्चे को काट लिया। तो बाबा जी गए, बच्चे को प्रणाम किए, सर्प भी उनको प्रणाम किया। बोले एक वचन दोगे हमको? बोले क्या? बोले आज से तुम किसी बच्चे को काटोगे नहीं। सर्प नहा ठीक है, वचन दे दिया। वचन देने के बाद बाबा जी चले गए। अब एक महीना के बाद उस रास्ते से बाबा जी फिर गुजर रहे थे तो सोचे भाई यहीं पास में बगीचे में सांप रहता है और बड़ा अच्छा है, चलो उससे थोड़ा सा मिल करके चलते हैं। और जब गए देखे तो सांप अधमरा पड़ा हुआ था। जाकर के पूछ कि ये तुमको क्या हुआ? बोले आप ही तो कहे हैं कि अब तुम किसी को काटना मत। बोले गोबर गणेश कहीं के, हम तुमको कहें काटना मत, हम फूकने के लिए थोड़ी मना किए हैं, हम फुफकार मारने के लिए थोड़ी मना किए, हम तो तुमको मना किए कि काटना नहीं है, डराना तो चाहिए, तुमको डरा तो सकते हो, डराने में क्या दोष है? इसलिए सीधा रहने से लोग आपको ठीक से रहने नहीं देते, लेकिन आप अंदर से टेढ़े मत होइए, ऊपर से थोड़ा सा टेढ़ा रहिए। क्योंकि देखिए जो नारियल होता है ना, कहते हैं नारिकेल समाकार, कैसा होना चाहिए? एक
जीव को नारियल के जैसा होना चाहिए, लेकिन आजकल के लोग कैसे हैं, बैर के जैसे हैं। बैर जानते हैं, बैर वो ऊपर से बहुत मुलायम होता है लेकिन अंदर बहुत कठोर होता है। लेकिन नारियल कैसा होता है, अंदर मुलायम होता है बाहर कठोर होता है। इसलिए व्यक्ति को नारियल के जैसा होना चाहिए कि इतना भी कोमल मत बनो कि आप रह ना पाओ, ये भी बात है। इसलिए राम कहते हैं कि हम सीधे हैं तो आप हमको रिस दिखा रहे हैं, और लक्ष्मण जब आपको बोल रहा है तो आप उसका गुस्सा हमको दिखा रहे हैं, आप उसको कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, आप उसको कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, आप हम ही को बोल रहे हैं। फिर परशुराम से राम कहते हैं कि देखिए आप हमसे सब चीज में बड़े हैं। पहली बात तो हमारा नाम राम है, आपका परशुराम है, नाम भी हमसे बड़ा है। आप ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, जाति में भी आप बड़े हैं। आप उम्र में भी हमसे बड़े हैं, आप हमसे बुजुर्ग हैं, मैं अभी युवा हूं। सब चीज में बड़े हैं और आप ब्राह्मण हैं। मैं आपके चरणों में सदैव जीवन काल पड़ा रहूंगा, लेकिन आपसे मैं कभी युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि आपके चरणों में यदि मैं पड़ा रहा तो निर्भय होकर के मैं रहूंगा, निर्भय होकर के रहूंगा, क्योंकि यह संसार में कभी भी गौ ब्राह्मण इन सब पे कभी भी अत्याचार नहीं करना चाहिए। हम बार बार कहते हैं जो चीजें आपको अच्छी ना लगे उससे दूर हो जाइए, विरोध करना, मारना, गाली देना, इसका कोई भी मतलब नहीं निकलेगा।